रूस यूक्रेन में अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप से झल्लाए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। रूस ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को डरा दिया है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का सफल टेस्ट किया है और इस खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। डर इस बात को लेकर है कि यूक्रेन युद्ध तीसरे साल में पहुंच गया है और 20% से ज्यादा हिस्सा जीत कर भी रूस अभी तक यूक्रेन पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया है। जबकि पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को हथियार सप्लाई को लेकर नए समझौते किए जा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मिसाइल टेस्ट करने की वजह मिसाइल की ताकत को परखना था। रूस ने पश्चिमी देशों पर परमाणु हमले की धमकी के 24 घंटे के अंदर ही न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया है। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जा सकती है। रूस की सरकारी मीडिया की ओर से वीडियो जारी किया गया है जिसमें 50,000 किलोग्राम और 75 फीट के मिसाइल को एक मोबाइल लॉन्चर से दागते हुए दिखाया गया है। इससे पहले पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 2.5 घंटे का भाषण दिया था जिसने उन्होंने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी। पुतिन की यह धमकी नेटो देशों के लिए थी। उन्होंने नेटो को यूक्रेन युद्ध में हस्तक्षेप न करने को कहा था। इसके अलावा उन्होंने इस दौरान परमाणु हथियारों से जुड़ी वार्निंग भी दी थी। पुतिन ने कहा था कि जिसने भी रूस पर हमला किया उसे दूसरे विश्व युद्ध से ज्यादा खतरनाक परिणाम देखने को मिलेगा। समाचार एजेंसी टास की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राज्य टेस्ट कॉस्मोड्रोम प्लेसेट्स में योस्कर ओला मिसाइल फॉर्मेशन के कर्मचारियों ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल PGR के यार्स को लॉन्च किया। ये मोबाइल बेस्ड मिसाइल है, यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रक की मदद से ले जाया जा सकता है। क्या अब दूसरे विश्व युद्ध से भी बुरे होंगे हालात? इस मिसाइल में कई वॉरहेड लगे हैं। रूस का MIRV यार्स मिसाइल कई परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम है। इससे ये कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। यार्स टोपोल S मिसाइल सिस्टम का ये नया अपग्रेडेड मॉडल है। यार्स मिसाइल को नाटो की सेना इसे SS-29 के नाम से जानती है। ये 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने टारगेट को मार सकती है। ये मिसाइलें 500 किलोटन तक के परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ये दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर अमेरिका की ओर से गिराए गए बम की ताकत का लगभग 30 गुना है। पुतिन ने कहा कि हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं जो पश्चिमी क्षेत्र में लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हम नाटो देशों को सुझाव दे रहे हैं कि न डरा रहे हैं। यूक्रेन के साथ नाटो देशों के आने पर परमाणु संघर्ष का वास्तविक खतरा पैदा हुआ है, जिसका मतलब हमारी सभ्यता का विनाश होगा। पुतिन की धमकी तब आई है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन युद्ध में नेटो की सेना भेजने की बात कही थी, जिससे पुतिन गुस्से से भर आए थे। हालांकि बाद में नेटो की तरफ से कहा गया कि उसका यूक्रेन युद्ध में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, जबकि पुतिन ने डराने वाले संबोधन में साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर नेटो इस युद्ध में शामिल होता है तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जिससे दूसरे विश्व युद्ध से भी खतरनाक परिणाम होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है, जिसमें लगभग 5,889 परमाणु हथियार है। संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 5,244 परमाणु हथियारों के साथ दूसरे स्थान पर है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों दुनिया के 90% परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखते हैं। सभी देश की ओर से लगभग 1,670 रणनीतिक परमाणु हथियार तैयार किए गए हैं। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि इन सारी तैयारियों और इससे होने वाले खतरों के बावजूद खुद पुतिन फाइनली क्या रणनीति अपनाते हैं और अमेरिका के साथ पश्चिमी देश इसका जवाब कैसे देते हैं।